वेल गाइस, मैंने अपने ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे इंस्टॉल किया हुआ है MIUI 12.5 बीटा के साथ में ROG एडिशन रोम, एंड इसके साथ में मुझे कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं, जो कि है मेरी UPI एप्लीकेशंस के अंदर सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं होता है जबकि सिम कार्ड फोन के अंदर लगा हुआ है, एंड उसकी वजह से मैं अपनी UPI एप्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो कैसे इसको फिक्स करेंगे जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी इस तरह की चीजें आपको मिलती रहें। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉब्लम एग्जैक्टली दिखती किस तरह से है। तो अभी हम चलते हैं अपनी कोई भी UPI एप्लीकेशन ओपन करेंगे। यहां पे मैंने ओपन कर लिया है अपना फोन पे, एंड इसके बाद जाएंगे बैंक बैलेंस में, एंड यहां पे हमारा बैंक चूज करेंगे, एंड सिंगल सिम ड्यूअल सिम आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप कोई भी चूज कर लो। जब तक प्रॉब्लम है आपका कुछ वैसे भी नहीं बनने वाला। तो आप देख सकते हो अनेबल टू प्रोसीड, या फिर कुछ एप्लीकेशन आपको दिखा सकती है नो सिम कार्ड डिटेक्ट, या प्लीज इंसर्ट योर सिम कार्ड टू एक्टिवेट दिस एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। तो इशू सारा एक ही है, हमारी एप्लीकेशन सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। सिम कार्ड नहीं डिटेक्ट करेगी तो SMS भेजेगी कैसे, एंड SMS नहीं भेजेगी तो UPI एक्टिवेट कैसे होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, देखते रहो। तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के अंदर मैजिस्क इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपका फोन रूट हो जाए। तो मैंने किया हुआ है नहीं किया हुआ है वो आपको दिखाता हूं। तो मैंने किया हुआ है, सिर्फ ऐसे हवा में बातें नहीं चल रही हैं। तो यहां पे आपको मैजिस्क इंस्टॉल कर लेना है, एंड एक बार मैजिस्क आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गया, मैजिस्क को आपको ओपन कर लेना है, एंड इसके बाद में आपको जाना है एड ऑन वाले सेक्शन पे, एंड यहां आप देख सकते हो ऐप सिस्टमाइज। तो ये आपको एक मॉड्यूल अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना होगा। वेल, ये चीज आपको कैसे करनी है बता देता हूं। यहां आपको जाना है ऐप सर्च वाले आइकन पे, एंड यहाँ आपको जाकर के सर्च करना है ऐप सिस्टमाइज। तो ये आपके जो मॉड्यूल है वो आपके सामने आ जाएगा, सॉरी ऐप नहीं, मैंने पहले ऐप बोल दिया इसको। एंड यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने फाइल मैनेजर में रख लोगे, फ्लैश तो आपको करना ही है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, बहुत छोटा सा है, कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में आपको डिवाइस को रिबूट करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मैन्युअली कर लेना, वैसे मिल ही जाएगा 101%। एंड एक बार आपके डिवाइस में मैजिस्क इंस्टॉल हो गया, ऐप सिस्टमाइजर इंस्टॉल हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, एक और ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। कोई भी टर्मिनल ऐप आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना, मैं टर्मक्स इस्तेमाल करता हूँ, एंड टर्मक्स को फिर आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ आने के बाद मैं आपको सबसे पहले तो उसको देनी होगी सुपर यूजर परमिशन, यानी कि SU। तो आप यहाँ पे एक बार लिखेंगे तो आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा ग्रांट करने के लिए, आप कर लेना। मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे जा करके टाइप करना है सिस्टमाइज, तो स्पेलिंग होगी SYSTEMIZE, यानी कि IZE, एंड इसके बाद में आपको एंटर कर देना है। एंड यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह की चीजों को लोड कर देगी। तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन सिस्टमाइज इंस्टॉल्ड एप्स लिस्टेड, ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी एप्लीकेशन जो भी है उनको ये डिटेक्ट करेगा, चेक करेगा कितनी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर प्रेजेंट टाइम पे इंस्टॉल है। डिपेंड करता है जितनी ज्यादा ऐप आपके फोन के अंदर होंगी उतना ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, कम होंगी तो कम टाइम लगेगा। वेल, कुछ ही टाइम में इसने हमारे फोन के अंदर सारी चीजें डिटेक्ट कर ली हैं, एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सारी एप्लीकेशन आ गई हैं। तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो फोन पे कर रहे थे, फोन पे हमारा आता है 43 नंबर पे, तो यहाँ पे हम 43 लिखेंगे एंड एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, नंबर वन पे है सिस्टम ऐप, आप इसको बना सकते हो, या फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको सिस्टम प्रीव ऐप दिख रहा है, तो आपको यही चूज करना है। तो अभी यहाँ पे दो हम लोग टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे फिर से, एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो रिटर्न टू मेन मेन्यू, तो यस हमको मेन मेन्यू में जाना है। अगर आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन फिक्स करनी है तो आपको हर एप्लीकेशन हर बार फिक्स करनी पड़ेगी, मतलब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सबको अलग अलग फिक्स करना पड़ेगा। एक फिक्स करने से आपकी सारी एप्लीकेशन फिक्स नहीं होंगी, एंड आपको एक ही करनी है तो आप यहाँ पे सिंपली आकर के वाई प्रेस कर सकते हो, रिटर्न टू मेन मेन्यू एंड 0 to exit, एंड हम एग्जिट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो अपने फोन को यहाँ से रिबूट दे सकते हो, एंड आप चाहो तो जहाँ से हमेशा दिया जाता है वहां से भी दे सकते हो। एंड अब अपने डिवाइस को कर लेते हैं रिबूट, एंड एक बार आपका डिवाइस रिबूट हो जाए तो उसके बाद में आप उस एप्लीकेशन को चला करके देख सकते हो। वेल, मैं भी आपके सामने ही देखने वाला हूँ। पहले कुछ ऐप्स को फिक्स किया था, फोन पे को नहीं किया था, अभी उम्मीद हो गया होगा। तो फोन पे ओपन करेंगे, तो फोन पे के भाव बढ़ चुके हैं, ओपन नहीं हो रहा है, एंड फाइनली भाव थोड़े से कम हो गए, ओपन हो गया है। अब अपने फ़ोन का जो पिन है अक्सर आप मेरे वीडियोस में देखते होगे, विच इज़ 1111, वही डाल देते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो बैंक अकाउंट, तो अभी आपको ये ऑप्शन दिख गया है सिम चूज़ करने का, पहले आपको सिंगल सिम डुअल सिम दिख रहा था, अभी एयरटेल पे जाएंगे तो अभी आप देख सकते हो आपका SMS सेंड होने लग गया है।
एंड सेंड भी हो गया है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो बैंक अकाउंट था वो लिंक हो गया है। आपको ऊपर SMS भी दिख रहा होगा जो मेरी बात को पूरी तरह से वेरीफाई करता है। एंड यहाँ पे अब आप अपना पिन डाल सकते हो एंड अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो यही मेथड है, आप जिस एप्लीकेशन के साथ में चाहो कर सकते हो, फिर चाहे आपका गूगल पे हो या फिर कोई भी आपकी UPI वाली एप्लीकेशन, उसके साथ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से फिक्स कर सकते हो। एंड एक और एडिशनल चीज आपको बता दूं, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आपको पता होगा, वो ये है कि मैजिस्क हाइड वाले कुछ ऑप्शंस आपको मैजिस्क के अंदर मिल जाएंगे। चलिए दिखाई देता हूं, फिर आप कहोगे कि नहीं यार हम स्मार्ट नहीं है बाय चांस और हमको नहीं पता, तो कैसे करना है ताकि आपकी बाकी एप्लीकेशन को ये रूट वाली प्रॉब्लम डिटेक्ट ना हो, उससे बचने के लिए। तो आपको यहाँ सिंपली सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ जाकर के आपको दिख रहा होगा हाइड मैजिस्क, इसको इनेबल कर लेना है अगर ये डिसेबल आपको मिलता है। दूसरा हाइड मैजिस्क पे आपको जाना है एंड यहाँ जाकर आपको मैनेजर या फिर कुछ भी आपको नाम रख देना है XYZ। तो ये क्या करेगा, आपके मैजिस्क को आपके फ़ोन से हाइड कर देगा। एंड एक और चीज़ जो आपको करनी होगी वो आपको करनी होगी, यहाँ आपको शील्ड वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर जाना है, हाइड मैजिस्क में जाना है एंड आपकी जिस एप्लीकेशन से आपको रूट परमिशन हटानी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे अभी पेजैप मैंने किया हुआ है, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन है, भीम कर लेते हैं या कोई भी एप्लीकेशन है, तो ये आपको यहाँ से हटा लेनी है ताकि रूट वाली जो प्रॉब्लम आपके डिवाइस के साथ में कभी कभी आ सकती है, इनकेस वो भी ना आए, एंड इस तरह से आप अपने डिवाइस पे सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस यही था आज का ट्यूटोरियल वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट था, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व करवा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, मन में अभी भी कोई सवाल सुझाव कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझसे सोशल मीडिया पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड भाई अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बाय द वे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना इन फ्यूचर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।